हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो स्टॉक लेके आया हूँ वो बहुत स्टॉक, मैं उसको ज़बरदस्त अभी नहीं कहूँगा लेकिन वो लॉन्ग टर्म में मीन्स आगे के कुछ सालों में बहुत ज़बरदस्त रिटर्न आपको दे सकता है, क्योंकि अभी ये स्टॉक बहुत उधार तले दबा हुआ है। ये मान के चलिए उधार तले दबा मीन्स डेट में ये दबा हुआ स्टॉक है, और बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर जैसे राकेश झुंझुनवाला जी हैं, उन्होंने भी इसमें अपनी पकड़ बनानी स्टार्ट कर दी और धीरे धीरे वो भी इसमें बाइंग करने लगे हैं। और अगर आप देखें इस स्टॉक में ऑल दो उधार बहुत है लेकिन इसके एसेट्स भी बहुत हैं। कई बार अगर आप देखोगे ऐसी कंपनी जिनके एसेट्स बहुत हैं, अगर वो कौड़ियों के भाव मिल रहे होते हैं तो लोग बटोरते रहते हैं उनको, क्योंकि अभी उनका असली जो मूल्य है वो किसी को पता नहीं है, लेकिन उनके एसेट्स इतने हैं। आप खुद देखिए, मैं किसी और स्टॉक की बात नहीं कर रहा, मैं जेपी एसोसिएट्स की बात कर रहा हूँ। चलिए आगे बात करते हैं जेपी एसोसिएट्स के बारे में, जो ये कौड़ियों के भाव बिक रहा है स्टॉक के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। चलिए अगर जेपी ग्रुप की बात करते हैं तो जेपी ग्रुप के पास क्या है, क्यों मैं ये आपको फोकस कर रहा हूँ कि कौड़ियों के भाव अगर मिल रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा पैसा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके जितना आप रिस्क ले सकते हो अपनी रिस्क कैपेसिटी के अंडर आप इसको बटोर सकते हो। देखिए जेपी का, देखिए पूरा यमुना एक्सप्रेसवे जेपी का है, जेपी का जेपी हॉस्पिटल है नोएडा में बहुत बड़ा, जेपी का कॉलेज है, जेपी के देखिए फर्टिलाइजर सेगमेंट है, जेपी का हेल्थ केयर सेगमेंट, जेपी का रियल एस्टेट का सेगमेंट, जेपी की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जेपी का देखिए F1 सर्किट इंडिया में, जेपी का F1 रेसिंग सर्किट जेपी का, जेपी स्पोर्ट्स के नाम से, जेपी का एजुकेशन सेंटर, जेपी की इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, जेपी पावर, जेपी सीमेंट, तो जेपी एक्सप्रेसवे। अब देखिए जेपी जो है वो हर जगह फैला हुआ है, पूरे नोएडा में अगर आप देखोगे तो नोएडा में एक्सप्रेसवे के एक साइड पूरा जेपी है, दूसरी साइड पूरा नोएडा है, ये मान के चलिए आप। जेपी पूरी की पूरी जमीन जेपी की है, तो इतने सारे इस ग्रुप के एसेट्स हैं। तो अगर बात आती है डेट, किसी एक कंपनी के डेट चुकाने की, तो डेफिनेटली आराम से कर सकता है ये डेट को, इधर से उधर पैसे को बिल्कुल कभी भी कर सकता है। लेकिन अगर आप देखें जो इसने जो फ्रॉड हुआ था, जो फ्लैट्स इसके अभी आधे ही बने पड़े हैं, वो खुद अपने आप में एक एसेट है। अगर आप देखोगे लोगों को जो है उम्मीद मीन्स इस तरीके से अभी यह है कि बहुत सारे फ्लैट्स अटके पड़े हैं, लोगों को यह है कि उनके पैसे जा रहे हैं, बट धीरे धीरे अगर आप फ्लैट्स भी देखोगे ना जेपी के, तो वो भी हल्के हल्के बहुत स्लो मोशन है। ऑल दो मैं अगर जिस स्पीड एक्चुअल स्पीड अगर 100 की है तो वो 20 या 10 की स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उसमें भी कंप्लीशन देखने को मिल रहा है। चलिए बात करते हैं, और जेपी के ये देखिए बहुत सारे सेगमेंट है, नोएडा में ही नहीं और भी जगह, जेपी के पावर ग्रिड है, जेपी का एग्री इनिशिएटिव है, जेपी के देखिए जो है पावर जनरेशन कंपनी है, जेपी के प्रयाग राज पावर जनरेशन कंपनी जेपी की है, इसकी भी अभी जो है बिडिंग चल रही है, रिसर्जेंट पावर और जिंदल एनर्जी इसको खरीदने की सोच रहे हैं। तो ये बहुत धीरे धीरे करके अपने एसेट्स को सेल करके उस चीज़ में कवर कर लेगा, इतना जेपी पे लोगों को उम्मीद है, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको उम्मीद है कि हाँ इतने एसेट्स हैं तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा जेपी। तो चलिए जेपी के पावर में जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड इसके बारे में बात करते हैं। शेयर का प्राइस ऑलमोस्ट 12 के अराउंड चल चुका है, अभी ये कुछ टाइम पहले जब गिरा था तो 10 रुपये पे आ गया था, 10 रुपये 11 रुपये से नीचे आ गया था। अगर वॉल्यूम देखा जाए फ्राइडे का वॉल्यूम, कितना ज़बरदस्त वॉल्यूम इसका ट्रेड हुआ है, ऑलमोस्ट 5 करोड़ 34 लाख, देखिए 5 करोड़ वॉल्यूम, बहुत कम प्राइस है तो वॉल्यूम ज़बरदस्ती देखिए ज़्यादा हो ही जाता है, क्योंकि 10 रुपये 11 रुपये का शेयर है। अर्निंग पर शेयर नेगेटिव में है क्योंकि डेट है, बहुत उधार है। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो 2,1929 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। चलिए अब एक नज़र डालते हैं इसके जो जेपी के, देखिए जयप्रकाश एसोसिएट्स के, अभी ये जेपी इंफ्राटेक को खरीदने की, अपनी ही एक जिसकी कंपनी है जेपी इंफ्राटेक, जेपी एसोसिएट्स, उसको खरीदने की कोशिश कर रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको मना कर दिया था, और क्योंकि उस पर अभी एनसीएलटी का केस चल रहा है, और जेपी एसोसिएट्स के ऊपर भी शायद आगे एनसीएलटी का केस चलेगा, क्योंकि जो जिन्होंने इसको उधार दे रखा, जिसका उधार है, वो लोग इस पर एनसीएलटी के प्रोसीडिंग करने कर सकते हैं जेपी पे भी, जेपी एसोसिएट्स पे भी। चलिए आगे बात करते हैं राकेश झुंझुनवाला जी, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त शेयर जेपी के खरीदे हैं। अभी जुलाई में रिपोर्ट आई थी कि इन्होंने अपना स्टेक जेपी में बढ़ा दिया, 1.23% मार्च क्वार्टर में था, जून क्वार्टर के एंड में 2.06% हो गया, और वो भी धीरे धीरे करके इसमें जब ये नीचे गिर रहा है तो होल्डिंग बढ़ाए जा रहे हैं। झुंझुनवाला के पास देखिए 804 लाख शेयर्स टाइटन के भी हैं, बहुत बड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं, इंडिया के वॉरेन बफे कहा जाता है इनको, तो ये भी देखिए
क्यों इस मींस अगर आप देखोगे कि रिस्क इतना बड़ा प्रोफाइल का बंदा क्यों रिस्क ले रहा है। हाँ रिस्क है इसमें, बट ये है कि इतनी कौड़ियों के भाव मिल रहा है, तो थोड़ा बहुत अपनी बिल्कुल एक एक पॉकेट से समंदर से थोड़ा सा एक लोटे पानी का चलो जेपी एसोसिएट्स खरीद लिया, इस तरीके की बात है। चलिए अगर आप देखें कि राकेश झुनझुनवाला को, जैसे मैंने आपको बताया था कि इतने डेट लेडन जो जयप्रकाश एसोसिएट्स है उसमें क्यों खरीदना चाहते हैं वो, हाँ उनको कुछ दिख रहा होगा इसीलिए खरीद लिया, लेकिन क्या एक चीज़ ध्यान दीजिए, वो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, उनकी रिस्क कैपेसिटी है इतनी, इसलिए वो इसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आपकी अगर जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, जैसे आपने भैया अपने महीने के उसमें 2000 का शेयर उठा लिया, जेपी का रख लिया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो गया, इस तरीके से कर सकते हैं धीरे धीरे करके जब ये अपने बाइंग जोन में जा रहा है तो जेपी। चलिए अगर एक नज़र में जेपी एसोसिएट्स के आपको ग्राफ पे नज़र डलवाऊँ, तो देखिए ग्राफ पे या फिर इसकी सेल्स में देखिए, सेल्स की अगर इसकी बात करें तो सितंबर में 842 करोड़ की थी, फिर 1100, फिर 16, फिर 1690 करोड़, तो नेट सेल्स भी धीरे धीरे इसकी जेपी एसोसिएट्स की बढ़ती जा रही है। डेट तो बहुत ज़बरदस्त है ही इस कंपनी के ऊपर, लेकिन अब एक टेक्निकल एनालिसिस में आपको बताऊँ, आप ये देखिए जेपी एसोसिएट्स का ये पिछले 2015 से लेकर अब तक का ग्राफ है। अगर आप देखोगे कि 2015 में इसका जो शेयर था यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट 8-9 रुपये के अराउंड चल रहा था, फिर ये गया था यहाँ पे 14 रुपए के अराउंड का हाई इसका दिख रहा है 2015 से 16 के बीच में, लेकिन उसके बाद ये गिरता गिरता आया आपका ये 5.30 रुपये तक आया, फिर उसके बाद ऊपर गया, लेकिन फिर उसके बाद ये जो बढ़ा है 7.60 रुपये का लो है। तो अब देखिए टेक्निकली अगर आप देखें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप समझते हो अगर, तो ये यहाँ पे जो ये लाइन ड्रॉ हो रही है, मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ये देखिए अब इसके अगर बॉटम बॉटम के लाइन ड्रॉ देखोगे तो ये बॉटम से थोड़ा थोड़ा नीचे गिरते जा रहा है, ठीक है, ये हल्के हल्के करके नीचे गिरते जा रहा है। अभी जब राकेश झुनझुनवाला के पिछले क्वार्टर में आया था कि उन्होंने 14 से 16 रुपये के बीच में ये शेयर उठाया था, इस लेवल पर ये शेयर उठाया था, लेकिन ये अभी उससे भी नीचे आ चुका है। तो आप खुद देखिए अभी, क्योंकि इसमें जो कंसोलिडेशन फेज आया नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है यहाँ पर अगर आप देखोगे जो ये 10 से 11 रुपये के बीच में यहाँ पर अगर आप थोड़ा बहुत पिक कर सकते हो तो ये पिछला जो इसका ये जोन था, इस ये अभी उस जोन पे है, तो वहाँ पे भी अगर ज़्यादा नहीं हल्का फुल्का अभी आप बाइंग कर सकते हो अगर, क्योंकि यहाँ से अगर इसने ब्रेकआउट कर दिया तो ये ऊपर चले जाएगा, तो आप थोड़ा बहुत इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन अगला जो इसका जोन है बाइंग जोन, वो ये ध्यान रखिए वो इस लाइन पर है, यानी कि 8 से 9 रुपये के बीच में आप यहाँ पर थोड़ा सा खरीद सकते हो। और देखिए अभी इस पर थोड़ा सा खरीद ले, इस पर खरीद सकते हो, आपके 4 बाइंग जोन बनते हैं, और एक बाइंग जोन ये है हमारे पास, ये 7 रुपये के अराउंड है, 7 रुपये के अराउंड भी आप इसको खरीद सकते हो। और लास्ट जो बाइंग जोन है वो इसका ये है, अगर ये 4 से 5 रुपये का, मीन्स अब खुद देखिए 5, 7, 9 और 11 ये तीन इसके बाइंग जोन बन रहे हैं, 5, 7, 9 और 11, जब 5 रुपये के अंडर आता है, 7 रुपये के, 9 रुपये के, 11 रुपये के अंदर, इन तीन बाइंग जोन्स में आप इसको बाई कर सकते हो, क्योंकि इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ये देखें। और ये अभी मैं इन टाइम पे कह रहा हूँ इसका एक्यूमुलेशन जोन है, अगले एक साल तक आप इसको एक्यूमुलेट करना चाहो, ज़्यादा नहीं, जैसे आपने 200 पीस खरीद लिए, फिर 200 खरीद लिए, 100 खरीद लिए, थोड़ा थोड़ा करके आप एज अ रिटेल इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आप हल्का हल्का करके एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं अगले एक साल तक के लिए। तो बहुत जेपी आप ये देखिए, क्योंकि इसके बहुत ज़बरदस्त एसेट्स हैं, स्टॉक कौड़ियों के भाव मिल रहा है ये मान के चलिए इन चार प्राइसेस पे। लेकिन अगर आप देखिए यहाँ से ऊपर जाता है ये, यहाँ से ऊपर अगर आप इसका पहला टारगेट मान के चलते हैं, तो पहला टारगेट मैं तो ये कहूँगा जी ये 15 से 16 रुपये का पहला टारगेट आप मान के चलिए, ठीक है। दूसरा टारगेट अगर आप इसका मान के चलते हैं, तो दूसरा टारगेट इसका ये मान के चलिए 20 रुपये के अराउंड का, तो और तीसरा टारगेट अगर आप मान के चलते हैं तो 24 रुपये का टारगेट, और चौथा टारगेट हमारा ये जाएगा 27 रुपये के अराउंड का, 26-27 का, और फिर ऊपर 30 रुपये तक का आप टारगेट इसके मान सकते हैं। तो बाइंग जोन देखिए कितने बाइंग जोन, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन अभी इसका डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये देखिए ये डाउन ट्रेंड है, कंप्लीट डाउन ट्रेंड है, सपोर्ट जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे अभी बाइंग जोन कर सकते हैं इस लेवल के सपोर्ट पे। सेकंड जो लेवल का सपोर्ट है वो जैसे मैंने आपको बताया 8 से 9 रुपये के बीच में, फिर उससे ऊपर ये 2-2 रुपये के गैप में आप इसको यहाँ पे आपको मौका मिल सकता है इसको बाय करने का। चलिए एक नज़र मैं आपको इसके और डिटेल में बताता हूँ, थोड़ा सा और जब ग्राफ को बड़ा करके मैं दिखाता हूँ, जैसे आप इसकी कैंडलस्टिक पैटर्न, मैंने ये वन डे के पर्सपेक्टिव से कैंडलस्टिक पैटर्न ये देखिए शॉर्ट टर्म में दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पे ये देखिए जो ज़बरदस्त सेलिंग चल रही थी, यहाँ पे 2 बाई के बहुत अच्छे वो बने हुए हैं, और ये जो इंडिसीजन यहाँ पे आया था ये नीचे गिर के 10.80 रुपये तक चला गया था एक टाइम पे, 10.70, 10.80 यहाँ पे इंडिसीजन आया, और यहाँ से ये बहुत जो बढ़िया ये ग्रीन कैंडल बनी है, ये बुलिश कैंडल बनी है, ये अच्छा एक संकेत दे रही है। हाँ अगर ये बुलिश कैंडल कंटिन्यू होती है तो डेफिनेटली अभी ये ब्रेकआउट दे के आपको 15 रुपये तक का अगर आपने यहाँ पर बाइंग जोन बना रखा है तो ये यहाँ तक जा सकता है। और अगर आप कोई जब भी स्टॉक चढ़ता है ऊपर जाता है एकदम,
तो और डाउन ट्रेंड रिवर्सल जब डाउन में होता है तो वहाँ पे दो चीज़ें ध्यान देने वाली बात होती है कि ट्रेंड किस तरीके से रिवर्स हो रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे इंडिसीजन के बाद एक बड़ी बुलिश कैंडल बनी है जो ट्रेंड रिवर्सल का शाइन बता रही है, और सेम जब ये स्टॉक देखिए ऊपर था यहाँ पे देखिए ये डॉजी पैटर्न, ऑलमोस्ट डॉजी है, ये डॉजी बना था एक जो है अप ट्रेंड के बाद डॉजी बना था, तो उसने डाउन ट्रेंड के साइन दिए थे देखिए। और कई बार ये होता है कि अप ट्रेंड इतना फोकस मींस इतना स्ट्रांग नहीं होता, मींस बुलिश फोर्स इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो वहाँ पे जो है डाउन आ सकता है। तो आप अगर अभी बाई कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस देखिए, आप सेकंड लेवल पर अगर इसमें एक्यूमुलेशन की स्टार्ट कर रखे हैं तो आप सेकंड फेज़ आप देखिए 9 रुपये के अराउंड दोबारा बाई का चांस बन सकता है, और जो मैंने आपको बताया तो उससे 7 रुपये के अराउंड बन सकता है, 7.5 7 के अराउंड, और अगला जो अपना बनेगा वो 5 रुपये के अराउंड बनेगा, 5.5 के अराउंड। चलिए ये जेपी वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को थोड़ा सा लंबा हो गया है, वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। जेपी एसोसिएट बहुत बढ़िया बैट हो सकती है, एक रिस्की बैट है बट बहुत बढ़िया हो सकती है आगे जाकर। झुंझुनवाला जी ने जो रिस्क लिया है, हाँ जरूर इस स्टॉक में कुछ बात है तभी उन्होंने भी रिस्क लिया है, और बहुत बड़े एसेट्स हैं जेपी एसोसिएट्स के। वाइंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।